हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेडिकल यानी मूलक के बारे में बात करेंगे। ये रेडिकल और आयंस दोनों ऐसे टॉपिक है जिसमें काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम पिछली वीडियो में आयंस के बारे में डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होगी। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो मिस अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आयंस और रेडिकल में उन लोगों को भी फर्क समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेडिकल यानी मूलक का डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन कहता है, वैसे ग्रुप ऑफ एटम यानी परमाणुओं का समूह जिनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तथा जो किसी केमिकल रिएक्शन में सिंगल एटम मतलब एक परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, उसे रेडिकल यानी मूलक कहते हैं। अब देखें, हाइड्रोक्सी रेडिकल, अमोनियम रेडिकल, फॉस्फेट रेडिकल, सल्फेट रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल, ये रेडिकल्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं। हम लोग फिर से एक बार डिफिनेशन रिपीट करते हैं। कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम का मतलब परमाणुओं का समूह जिसमें कम से कम दो परमाणु मौजूद हो। तो पहला कंडीशन तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कम से कम इनमें दो परमाणु मौजूद है। अब जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यह भी हमारा कंडीशन कंप्लीट है। अब कह रहा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में सिंगल एटम की तरह व्यवहार करते। अब केमिकल रिएक्शन का थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन दोनों को एक साथ मिक्स करें, तो मिक्स करने के बाद ये सिल्वर क्लोराइड और फिर सोडियम नाइट्रेट के रूप में चेंज हो जाता है। अब देखें, जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो आमतौर पर ये आयनिक रिएक्शन होता है। कैसे होता है देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर केटायन और नाइट्रेट रेडिकल के रूप में टूटता है और फिर सोडियम केटायन और क्लोराइड एनायन के रूप में टूटता है और फिर सोडियम केटायन का पॉजिटिव पार्ट नाइट्रेट रेडिकल के नेगेटिव पार्ट से जाकर जुड़ता है तो NaNO3 का निर्माण करता है और सिल्वर केटायन और क्लोराइड एनायन दोनों आपस में जुड़ते हैं तो फिर सिल्वर क्लोराइड और फिर सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। अब जरा देखिएगा, ये जो NO3 पार्ट है ये क्या है, नाइट्रेट रेडिकल। यहां एक एग्जांपल ये भी हम लोग लिख लेते हैं, NO3 को नाइट्रेट रेडिकल कहते हैं। ये नाइट्रेट रेडिकल सोडियम से जब जुड़ा तो केवल इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, मतलब एक एटम नहीं जुड़ा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जितने एटम हैं वो सब के सब एक साथ जाकर के जुड़े, तो सिंगल एटम की तरह ही जाकर के जुड़े, एक एक करके नहीं जुड़े, वो सब के सब कंबाइंड हो करके, NO3 मतलब नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का तीन एटम, सब के सब आपस में जुड़े और फिर जुड़ करके और तब जाकर के सॉरी सोडियम से जाकर के जुड़े
तो NaNO3 का निर्माण हुआ। तो ये NO3 जो रेडिकल है ये सिंगल एटम की तरह जाकर के जुड़ा, तब NaNO3 का निर्माण हुआ, और इस तरीके से हम NO3 को क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। बात क्लियर हुई? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि रेडिकल के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल हिंदी में कहें तो विद्युत धनात्मक या क्षारीय मूलक कहेंगे। क्लियर? अब सुनिए, डिफिनिशन कहता है कि आप डिफिनेशन क्या देखेंगे, हेडिंग से ही आप समझ जाइए। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब रेडिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो लिख लेते हैं, कहेंगे वैसा रेडिकल या कहेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल क्या कहलाते हैं, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनियम रेडिकल। बेसिक रेडिकल के कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल हैं तो वही लिखते हैं, फॉस्फोनियम रेडिकल है ना, इसी तरीके से हाइड्रोनियम रेडिकल और इट्सेट्रा इटीसी, इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए, दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो टाइप होता है ये होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव या एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मक या अम्लीय मूलक, आप लिख लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब इसको मिटाते हैं और फिर इसका डिफिनेशन लिखते हैं। कहेंगे नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्सी रेडिकल, सल्फेट रेडिकल, सल्फाइट रेडिकल, फॉस्फेट रेडिकल, फॉस्फाइट रेडिकल, साइनाइड रेडिकल, अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है कि जिस तरीके से आयंस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब पाया जाता है तो उनकी वैलेंसी उसके बराबर होती है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग एक नोट लिखते हैं कि रेडिकल के, रेडिकल्स के ऊपर जितने नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसकी वैलेंस, उसकी संख्या के बराबर, संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी होती है, उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता होती है। अब देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्सी आयन यहां हमने लिखा है, नेगेटिव चार्ज कितना, एक, वैलेंसी कितना, एक। SO4 सल्फेट कितना चार्ज, दो, वैलेंसी कितना, दो। अभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम अभी बताने वाले हैं कि सल्फेट आयन के ऊपर आखिर दो ही नेगेटिव चार्ज क्यों पाया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, सबसे पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो चलिए, समय ज्यादा लगेगा इसलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो चलिए, अब हम लोग किसी भी रेडिकल्स के पास कितने वैलेंसी होती है उसकी संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने नोट लिखा था कि किसी रेडिकल के ऊपर जितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं उसकी संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी होती है। तो यहां हमने क्या लिखा है, नेम ऑफ रेडिकल, नेम लिखा है,
उनका फॉर्मूला यानी सिंबल जो भी कह लो, और उनकी हमको वैलेंसी लिखनी है। तो यहां दिखेगा साइनेट रेडिकल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, CNO नेगेटिव चार्ज को हम लोग साइनेट रेडिकल कहते हैं। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। इसी तरीके से साइनाइड के पास एक नेगेटिव चार्ज तो वैलेंसी एक, थायोसाइनेट के पास चार्ज कितना एक तो वैलेंसी भी एक, अमोनियम रेडिकल के पास एक पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी एक। यहां देखिए हाइड्रोक्साइड आयन तो वन, हाइड्रोनियम आयन वन, फॉस्फोनियम आयन वन, नाइट्राइट आयन वन, नाइट्रेट आयन वन। अब देखिए SO4 माइनस सल्फेट आयन है तो सल्फेट इसको रेडिकल कहते हैं, तो इसके ऊपर कितने चार्ज, दो चार्ज। SO3 माइनस इसको कहते हैं सल्फाइट रेडिकल, तो इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज वैलेंसी दो। ये है आपका क्लोराइट, एक नेगेटिव चार्ज वैलेंसी एक। ये है आपका क्लोरेट तो वैलेंसी इसका वन, क्योंकि चार्ज भी वन है। अब देखिए पर क्लोरेट नेगेटिव चार्ज कितने, दो, तो वैलेंसी कितना होगा दो। कार्बोनेट दो, फॉस्फेट थ्री, फॉस्फाइट थ्री। अब देखिए बाईफॉस्फेट को हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहते हैं, चार्ज कितना है दो, तो कितना होगा वैलेंसी दो। बाईफॉस्फाइट यानी हाइड्रोजन फॉस्फाइट वैलेंसी कितना दो, बाईकार्बोनेट वैलेंसी कितना वन, बाई सल्फेट वैलेंसी वन, बाई सल्फाइट वैलेंसी वन, और हाइपोक्लोराइट का भी वैलेंसी कितना होगा वन होगा। और ये ओवरऑल जितने लगभग रेडिकल्स हैं उनका हमने डाटा शीट तैयार करके उनका वैलेंसी तैयार कर लिया। इसके बेस पर किसी भी कंपाउंड को आसानी से लिख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि आखिर H3O+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों है ना, तो जरा देखते हैं। इससे पहले एक नोट यह है कि रेडिकल्स भी आयंस की तरह फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये हमेशा किसी ना किसी आयन से या रेडिकल से जाकर के कंबाइंड होकर और फिर कंपाउंड का निर्माण करना चाहते हैं। अब सुनिए, तो ये आपका डाटा सीट तैयार हो गया, इसको आप नोट डाउन करिए। फिर अब हम बात करेंगे कि आखिर किसी भी रेडिकल के ऊपर अगर चार्ज जो है वह एक या दो या तीन जो भी उसके ऊपर है वह उतना ही क्यों है, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रेडिकल बनते कैसे। हमने लिखा है हाउ टू मेक रेडिकल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है आपका सल्फेट रेडिकल। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था SO4 2 माइनस, क्लियर। अब देखिए आपको दो बातें यहां समझनी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से किसी कंपाउंड में एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट मौजूद है, उसी तरीके से रेडिकल्स जब बनते हैं तो जब दो एटम या दो से अधिक एटम आपस में जाकर के मिलते हैं तो उनमें भी एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। अब देखिए जैसे यहां हमने सल्फेट लिखा है तो S यानी सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, इसमें सल्फर जो है ये पॉजिटिव पार्ट है और ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव पार्ट है। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि पहला जो पार्ट होता है मतलब पहला जो एटम होगा वह पॉजिटिव होगा, जबकि दूसरा जो एटम होगा वह नेगेटिव होगा। दूसरी बात, जितने एटम सल्फेट हो या कोई भी रेडिकल हो बनाने में भाग लेंगे उनकी आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। सबसे पहले एटम का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जबकि दूसरे एटम का वैलेंसी देखेंगे। इसके कई सारे एक्सेप्शन भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो इसके ऊपर चार्ज पाए जाते हैं इसको फॉर्मल चार्ज भी कहते हैं, और इनको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने अगर नहीं आता है तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बेस पर समझ लेंगे। अब देखते हैं, ये सल्फर जो है, एक सल्फर एटम है और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, चार एटम, तो चार गुणे ऑक्सीजन एटम
टोटल कितने हो गए SO4। क्लियर, दोनों कंबाइंड होंगे मतलब दोनों को जोड़ करके हमने SO4 लिख दिया। अब देखिए इसके ऊपर आखिर दो ही चार्ज क्यों है जरा चेक करते हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6। अब देखिए अब यहां देखिएगा चार तो चार गुणा तो गुणा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है 2। अब सुनिए ये पॉजिटिव पार्ट था तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट तो इसकी वैलेंसी के सामने हम लोग नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस का साइन दे देंगे। अब सुनिए चार्ज नहीं कह सकते माइनस साइन कहेंगे। अब देखिए टोटल कितना हुआ 6 प्लस तो प्लस 4 गुणे 2 कितना हो गया माइनस 8, माइनस है तो और 6 और माइनस 8 बराबर कितना हो गया माइनस 2। तो इसलिए ये जो ओवरऑल चार्ज माइनस 2 हुआ ये SO4 के ऊपर हम लोग रख देंगे। इस तरीके से हमको मालूम होता है कि SO4 के ऊपर माइनस 2 ही चार्ज मौजूद होता है, माइनस 1 नहीं हो सकता है ना। अब देखिए इसका एक्सेप्शन सल्फाइट, SO4 2 माइनस हमने सल्फेट के लिए लिखा था, अब SO3 2 माइनस भी होता है तो ये एक्सेप्शनल केस है ना। फॉर्मल चार्ज के बेस पर हम लोग समझेंगे अभी आगे वाले क्लास में जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट, दो चार्ज कार्बन प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन CO3। क्लियर, अब देखिए कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 4 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 तो 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2, नेगेटिव चार्ज रखेंगे क्योंकि बाद में है नेगेटिव पार्ट वाला आइटम है। अब देखिए टोटल कितना हुआ 4 प्लस, अब देखिएगा 3 गुणे 2 माइनस 6 होगा, अब क्या करेंगे बराबर 4 अब माइनस 6 बराबर कितना 2 और ये कितना हो गया माइनस 2, तो इसलिए हम इसके ऊपर कितना चार्ज लिखेंगे माइनस 2। अब सुनिए इसके बाद अगर बात करते हैं क्लोरेट आयन या क्लोरेट रेडिकल तो जरा देखिएगा क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन एटम तो कितने हो गए ClO3, चार्ज कितना रखना है -1, देखते हैं कैसे आता है। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 गुणे ऑक्सीजन कितना -2, कितना रखेंगे अब जरा चेक करिए 7 और 3 दुना 6 तो -6 कितना हो गया -1। इस तरीके से फिर इसी तरीके से अगला एटम अगर हम बात करें यह है फॉस्फेट PO4 3-, तो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 4 गुणे ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन 4 तो 4 ऑक्सीजन का वैलेंसी -2। अब देखिए तो टोटल कितना हो गया 5 प्लस 4 दूना कितना 8 वो भी किस में माइनस में। अब जरा देखते हैं कि 5-8 टोटल कितना हो गया -3, तो चार्ज यहां कितना रखेंगे -3 यानी कि PO4 के ऊपर हम लोग -3 चार्ज रखेंगे। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी रेडिकल के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं तो इतना ही केवल आप अभी समझें तो काफी आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर